पुस्तक अध्याय 11। तब नामती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गुड़ भेद पा सकता है? और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक के गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माँ पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। जब परमेश्वर बीच से गुजरकर बंद कर दे और अदालत या कचेरी में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ कामों को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उससे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधकार भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा और तुझे आशा होगी। इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा, और जब तू लूटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट मनुष्यों की आंखें रह जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। तब नामती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म